आतंकवादियों को मारे जाने की सूचना है। पुलवामा हमले में जो 40 जवान शहीद हुए वो सब हमारे बेटे हैं, वो देश के बेटे हैं। उनका बदला लेने के लिए, उनका बदला उनसे लेने के लिए हम इनसे जो हमारी सेना ने जो हमला किया है इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है देशवासियों से कि जितने आम नागरिक इसमें हताहत न हो, जितने उग्रवादी ठिकाने हैं वो सफाई होने चाहिए, इसमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं हम। आतंकवादियों द्वारा हमारे सीआरपीएफ के 40 सुपर जवानों को शहीद कर दिया गया था। इस तरह का एक कायराना हरकत जो की गई थी उसका जवाब देना बहुत ही जरूरी था। ये कार्रवाई जो हमारी वायुसेना ने किया बहुत ही उचित है और बहुत ही आवश्यक है उनको पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल अनिवार्य थी, आवश्यक थी और बहुत सही है, उचित है। सेना ने जो है 3:30 बजे सुबह और पाकिस्तान में जो है आतंकवादी अड्डों पर जो हमलावारी की है ये बहुत ही साहसी कदम है, और इस तरह के कदम जो है हमारे देश की सेना को उठाने चाहिए। और हम जो है आभार व्यक्त करते हैं हम अपने देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने हमारी सेना को खुली छूट दी है कि ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना है। हम इस कदम की सराहना करते हैं। मेरा कहना यह है कि हमला हुआ ठीक है, लेकिन अभी उधर से ना तो कोई नुकसान की और ना किसी आतंकवादी के मरने की कोई खबर आई है। यह है कि उन्होंने हमला किया लेकिन घर तो उनके पहले ही खाली करवा दिए थे। कोई नुकसान होने की सूचना हिंदुस्तान के मीडिया वालों के पास कोई नहीं है, उधर से कोई उनके मरने की खबर नहीं है। ये तो ऐसा हो रहा कि किसी जगह पर कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, वो तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं। कम से कम 2-4 तो मरने की खबर आए कि हाँ आतंकवादी भी मारे गए हैं। तो अभी जो पाकिस्तान सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 300 से 400 आतंकवादी मारे गए हैं, 3 जो आतंकी अड्डे हैं उनको तबाह किया गया है। वो तो खाली अड्डे तबाह किए गए हैं, उनके आतंकवादी कोई नहीं मरा। तो पाकिस्तान पे जो हमला किया गया आप उससे संतुष्ट नहीं है? अभी संतुष्ट नहीं है, कम से कम उधर से उनके मरने की कुछ खबर आएगी तो जब कुछ मन को संतुष्टि होगी, क्योंकि जवान तो लग ही रहे, हिंदुस्तानी जवान के आगे तो कोई टिक नहीं सकता। एक बार उन्हें मौका मिल जाए तो शायद पाकिस्तान भी उनके आगे नहीं टिक पाएगा।